और हमारे डिजिटल ए टू जेड पब्लिक स्कूल के आज के इस तकरीर में मैं हजरात के सामने चाहता हूँ मदरसा है तेरा में अदान हिस्सा की ए मदरसा है तेरा में अदान हिस्सा की यहाँ के पास से इंसान बहे जाते हैं। कुरान और हदीस में इल्म को फलाह और कामयाबी का जरिया करा दिया गया और आलम की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है। इंसान को पस्ती से बुलंदी की तरफ ले जाता है, आदमी को आला बनाता है, गैर तहजीब का मान को तहजीब की दौलत से मालामाल करता है। यही वजह है कि माशरे में अहले इंसाफ को अदर की निगाह से देखा जाता है। इनकी अहमियत के हवाले से कुरान मजीद में मुताबिक मकाम पर जिक्र आया है। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म से काबे की तामीर मुकम्मल की और वह जंगलों आबाद हो गए तो दुआ फरमाई, ए हमारे रब उनमें उन्हीं के से रसूल भेज जो उनके पास तेरी आयतें पढ़े, उन्हें किताब हिकमत सिखाए और उन्हें पाक करे, यकीनन तू गलबे वाला हिकमत वाला है। इस्लाम के सबसे पहले तालीम और कुरान पाक की पहली आयत जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई, इल्म ही से मुतालिक है। अल्लाह ताला का मतलब इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, खलक़ल इंसान मिन अलक, जिस इंसान को खून से लोथिन से पैदा किया, इक्रा रब्बिकल अकरम, तू पढ़ता रह तेरा रब बड़ा करम वाला है, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, अल्लमा लिल इंसान मा लम यालम, जिस इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के मुताबिक मकाम पर इल्म हासिल करने पर जोर दिया है। कुरान चाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो शख्स इल्म हुसूल के लिए रास्ते पे निकलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। इतना ही नहीं और अल्लाह ने ठीक फरमाया तो रब मुस्लिम खजाना से अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इल्म का तलाब करना हर मुसलमान मर्द औरत का फर्ज है। इस हदीस में इल्म की फजीलत फकत मर्दों तक महदूद नहीं रखी गई बल्कि औरतों के लिए भी इल्म का हुसूल जरूरी करा दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बावजूद हमारे यहाँ आज इबादतों खवातीन को तालीम दिलाने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। याद रहे एक औरत को तालीम दिलाना पूरे खानदान को तालीम दिलाने के मुतरादिफ है, क्योंकि यह खातून जिसने दिल मांग लेगी अपने औलाद की परवरिश की जिम्मेदारी अदा करेगी। अगर वो तालीम याफ्ता होगी तो अपने बच्चे के गैर तालीम याफ्ता खातून की निस्बत से कई गुना बेहतर तरबियत कर पाएगी। माँ की गोद बच्चे की पहली दस्तगाह होती है, अगर इस दस्तगाह से बच्चों को अच्छी बुनियाद नजर आएगी तो आगे चलकर इसके लिए मुफीद साबित होगी। इल्म कैसी दौलत है जो कभी लूटती नहीं, इल्म कैसी दौलत है जो कभी लूटती नहीं और खसकने से कभी घटती नहीं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला हम सबको खुलूस नियत के साथ इल्म सीखने और सिखाने की तौफीक अदा करना। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह।